सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर स्केयर ऑफ ओपोजिशंस के बारे में। दोस्तों यहां से काफ़ी तरह के क्वेश्चन आते हैं जो हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये जो टॉपिक है काफ़ी दोस्तों को काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन दोस्तों अगर हम ध्यान से करें तो ये बहुत ही आसान है, इसे हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में आपको बिल्कुल आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊँगा कि किस तरह से इसमें से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हम बिल्कुल आसानी से सकते हैं। तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं स्केयर ऑफ ओपोजिशंस के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हमें स्केयर ऑफ ओपोजिशन के अंदर चार डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए तभी हम आगे समझ पाएंगे। देखिए सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है हमारे पास यूनिवर्सल पॉजिटिव की आती है। यूनिवर्सल पॉजिटिव के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो हमारे पास जो भी चीज़ होती है उन्हें हम उन सभी की सभी चीज़ों को हम पॉजिटिव तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल बॉल्स आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि हमने मान लिया कि सारी की सारी बॉल जो होती है स्ट्रॉन्ग होती है। अगली जो आती है दोस्तों वो आती है हमारे पास यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव के अंदर क्या होता है कि ये इसके अंदर सभी की सभी चीज़ों को हम नेगेटिव मान लेते हैं, जैसे कि नो बॉल्स आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि कोई भी बॉल स्ट्रॉन्ग नहीं है। आगे आता है दोस्तों यूनिवर्सल पर्टिकुलर पॉजिटिव। पर्टिकुलर पॉजिटिव के अंदर क्या होता है दोस्तों, हम कुछ चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से मानते हैं, जैसे कि सम बॉल्स आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और आगे आता है दोस्तों हमारे पास पर्टिकुलर नेगेटिव। पर्टिकुलर नेगेटिव के अंदर क्या होता है दोस्तों, कुछ चीज़ों को हम वीक यानी कि नेगेटिव तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सम बॉल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों यहाँ से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यूनिवर्सल पॉजिटिव क्या होता है, यूनिवर्सल नेगेटिव क्या होता है, पर्टिकुलर पॉजिटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव क्या होता है। दोस्तों ये हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसी के बेस पर हमारे आगे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि इस बेस पे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरह से ये हमें टॉपिक करना है। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले आता है कंट्राडिक्टरीज। कंट्राडिक्टरीज के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये हम देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, अगर हिंदी में हम लेके चले तो इसके अंदर होता है एक दूसरे के विरोधी, विरोधाभास होता है इनके अंदर। देखिए विरोधाभास किन किन चीज़ों के अंदर होता है, एक तो ये होता है हमारा, जैसे कि यहाँ पर एरो दिखाई गई है कि यूनिवर्सल पॉजिटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव के अंदर, ये हम देखते हैं कि किस तरह से एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये देखिए इसमें हमने पूरा का पूरा एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए एक ये लड़का है, ये कह रहा कि ऑल बॉल्स आर स्ट्रॉन्ग, ये कह रहा कि सारी की सारी बॉल होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। और ये लड़की है, ये कह रही है कि सम बॉल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, यानी कि ये एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं इन दोनों की जो बात है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या तो ये सही होगा और या फिर ये सही होगा। तो इनके अंदर हम क्या है कि ये विरोध कर रहे हैं, ये हमें लड़ाई करवा रहे हैं कि ये कह रहा है कि मैं सही हूँ और ये कह रहा है कि मैं सही हूँ। तो इन दोनों के अंदर क्या होता है दोस्तों, विरोधाभास होता है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होती है ये चीज़ें, ठीक है। और इसी तरह से हम इसके अंदर देखते हैं ई और आई के अंदर। ई क्या होता है, ई हमने बताया था कि यूनिवर्सल नेगेटिव होता है। इसके अंदर ये लड़का कह रहा है, ब्लैक लड़का, ये कह रहा है कि नो बॉल्स आर स्ट्रॉन्ग, कोई भी बॉल स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जबकि ये जो औरत है ये कह रही है कि सम बॉल्स आर स्ट्रॉन्ग, ये कह रही है कि कुछ बॉल स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं दोस्तों ये दोनों एक दूसरे की बातों का विरोध कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमें समझना है। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कंट्राडिक्टरीज के अंदर ये होता है कि एक सही है तो दूसरा गलत होगा, ये हमने देख लिया दोस्तों कि अगर ए सही है तो ओ जो है वो गलत होगा, अगर ई सही है तो आई गलत होगा। तो इस तरह से ये होता है। अगला क्या है, अगर एक गलत है तो दूसरा सही है, ये दोनों ये वही बात आ गई, एक सही है तो दूसरा गलत है, और दोनों एक साथ सही या गलत नहीं हो सकते। ये बात भी सही है दोस्तों कि दोनों एक साथ या ना ही तो वो सही हो सकते और ना ही गलत हो सकते। दोस्तों आप इस ये जो पिक्चर मैंने दी है यहाँ पे, इसको अच्छे से देखना और ये जो बातें हैं यहाँ पे ये लिखी हुई है इनको पढ़ना, आप बिल्कुल आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये पीडीएफ लेनी है ये जो मैंने दिखा रखी है वीडियो में, तो ये ले सकते हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और देखते हैं दोस्तों और इसके अंदर क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके अंदर यदि एक अनडिटरमाइन है, यानी कि कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है एक का, तो दूसरी भी अनडिटरमाइन होगी। यानी कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हमें नहीं पता कि सभी की सभी बॉल स्ट्रॉन्ग है या अनस्ट्रॉन्ग है, किस तरह से हमें नहीं पता तो हम ओ का आंसर नहीं निकाल सकते। इसी तरह से अगर हमें ई नहीं पता है तो हम आई का आंसर भी नहीं निकाल सकते। तो इस तरह से दोस्तों अगर एक अनडिटरमाइन होगी तो दूसरी भी अनडिटरमाइन ही होगी। तो दोस्तों यहाँ से आप समझ सकते हैं।
और इस पे किस तरह के क्वेश्चन बने हैं वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो पहले हम इनको समझ लेते हैं। अगला आता है दोस्त, अब आगे हमारे पास आता है दोस्तों सब अल्टर्न। सब अल्टर्न के अंदर क्या होता है ये हम देखते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है, नंबर वन पॉइंट, ए सही है तो आई सही होगी, लेकिन आई सही है तो ज़रूरी नहीं कि ए सही होगी। ये देखिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए ये हम बात मान के चलते हैं कि ऑल बॉल आर स्ट्रॉन्ग, ये बात हमने मान ली भाई ये बात ट्रू है। तो अगर ये बात ट्रू है तो इसका जो अपोजिट दूसरी क्या चीज़ होगी, सम बॉल आर स्ट्रॉन्ग, ये बात भी सही होगी, यानी कि ये भी सही होगी और ये भी सही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर ए सही है, यानी कि देखिए ए सही है तो क्या होगा, आई भी सही होगी, यानी कि सभी की सभी बॉल स्ट्रॉन्ग है तो उसमें से कुछ बॉल भी स्ट्रॉन्ग होगी ही होगी। ये तो दोस्तों बिल्कुल कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात है, बिल्कुल आसानी से हम समझ सकते हैं। और आगे हम देखते हैं आगे क्या है, और इसी तरह से दोस्तों इसके अंदर ई और ओ के अंदर आता है, इसके अंदर रिलेशन ये देखते हैं। ये दोस्तों ये गलत लिखा हुआ ये नहीं है, ये देखिए इसके अंदर क्या होता है, ई नो बॉल्स आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि कोई भी बॉल स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये इसने कह दिया कि कोई भी बॉल स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसका जो ओ है ये आ सकता है दोस्तों कि सम बॉल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ये हम कह सकते हैं कि कुछ बॉल स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। और इसके अंदर देखते हैं कि और क्या है, ई सही है तो ओ के सही होने का संदेह है, लेकिन ओ सही है तो ज़रूरी नहीं कि ई सही होगा। अब देखिए दोस्तों एक बात तो हमने समझ ली कि ई सही है तो ओ सही हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सही हो ही हो। अब देखिए इसके अंदर आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम होने वाली संभावना देखते हैं कि किस तरह से हो सकता है। देखिए नो बॉल्स आर स्ट्रॉन्ग, कोई भी बॉल स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ बॉल स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन दूसरा इसका मतलब क्या निकल रहा है दोस्तों कि कुछ बॉल स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ बॉल स्ट्रॉन्ग है। अगर कुछ बॉल स्ट्रॉन्ग है तो क्या हुआ, जो ई है वो गलत हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, ई सही है तो ओ के सही होने का संदेह है, ठीक है, यहाँ पे हमें ये बात समझनी पड़ेगी, इसके होने का संदेह है, ओ सही होगी इसका संदेह है। हम पूरे डेफिनेट रूप से नहीं कह सकते कि ये सही होगा ही होगा, लेकिन इसके अंदर हम बिल्कुल सही तरीके से कह सकते थे कि ये अगर ऑल बॉल आर स्ट्रॉन्ग है तो सम बॉल आर स्ट्रॉन्ग होगी। और देखते हैं दोस्तों और इसके अंदर क्या होता है, ये तो हो गया हमारा ट्रूथ डाउनवर्ड हो गया, ये देखिए ट्रूथ डाउनवर्ड और फॉल्स अपवर्ड की भी बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है। अब ये देखिए इसके अंदर ये देखिए अगर ये कह देता कि सम बॉल आर स्ट्रोंग, ये बात इसकी गलत निकल जाती है, सम बॉल्स आर स्ट्रोंग ये बात गलत निकल जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो ऊपर वाली बात है ये भी बिल्कुल सही होगी, यानी कि सारी की सारी बॉल भी स्ट्रोंग नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि अगर ये बात गलत निकल जाती है सम बॉल आर स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब क्या हुआ कि सम बॉल आर स्ट्रॉन्ग ये गलत है, ये मान के चलते हैं, तो इसका जो अपोजिट क्या होगा कि और सभी के सभी बॉल है वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पे ये थोड़ा सा ये जो टॉपिक है थोड़ा पेचीदा टॉपिक है, ये आपके समझ में शायद ना आ सके, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करोगे तो ये आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो पिक्चर मैंने दी है यहाँ पे, इसे आप देखने की कोशिश करना, यहाँ पे आप वीडियो रोक सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये जो पिक्चर है ये भी आप देख सकते हैं, ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों नंबर थ्री पे कंट्रेरीज। कंट्रेरीज इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, और इसे हम कंट्रेरी भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसमें हम देखते हैं कि इसके अंदर होता है ए और ई का रिलेशन हम देखते हैं, ऑल बॉल आर स्ट्रॉन्ग नो बॉल्स आर स्ट्रॉन्ग, इन दोनों का रिलेशन देखते हैं क्या होता है, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकती लेकिन दोनों के कुछ टाइम के लिए गलत होने की संभावना हो सकती है। देखिए इसे हम किस तरह से समझेंगे कि एक जो लड़का है वो कह रहा कि ऑल बॉल आर स्ट्रॉन्ग, दूसरा लड़का कह रहा कि नो बॉल आर स्ट्रॉन्ग, दोस्तों ये तो बिल्कुल ही अपोजिट बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे अगर आंसर निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा रिजल्ट, या तो ये बंदा सही होगा और या फिर ये बंदा सही होगा, लेकिन दोनों के दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं भाई, या तो ऊपर वाला बंदा सही होगा और नीचे वाला गलत होगा, ठीक है, या फिर ऊपर वाला गलत होगा और नीचे वाला सही होगा, ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। यानी कि एक बंदा कह रहा कि सारी की सारी बॉल स्ट्रॉन्ग है, दूसरा बंदा कह रहा कि कोई भी बॉल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो दोनों की दोनों जो बात है वो हम मान नहीं सकते, इनमें से एक की बात हमें माननी पड़ेगी और एक की बात है वो हमें रिजेक्ट करनी होगी। तो दोस्तों यहाँ से आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और इसके कहने का मतलब क्या है।
तो यहाँ से भी आप ये पढ़ सकते हैं कि तीनों के तीनों जो बातें इसने जो ये लिखी है, ये तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, यही मैंने तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पे आपको समझा दिए। आप समझने की कोशिश करना, अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताना, हम दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। अब आगे आता है दोस्तों हमारे पास नंबर 4 पे, सब कंट्रेरीज। सब कंट्रेरीज के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हम रिलेशन लेते हैं आई और ओ का, या आई किसे कहते हैं सम वोलार स्ट्रोंग, और ओ किसे कहते हैं सम वोलार नॉट स्ट्रोंग, यानी कि पर्टिकुलर पॉजिटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव। देखिए इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या संभावना होती है, क्या होता है इसके अंदर। इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसके अंदर कहा है, आई और ओ दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते लेकिन सही हो सकते हैं। देखिए इसका क्या मतलब है कि एक जो लड़की है ये कह रही है कि सम बोल आर स्ट्रोंग, दूसरी कह रही है कि सम बोल आर नॉट स्ट्रोंग, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों बात एक साथ सही हो सकती है। अब देखिए इसने कह दिया, मान के चलते हैं कि सम बोल आर स्ट्रोंग, इसने कह दिया कि कुछ बोल होती है वो स्ट्रोंग होती है, तो दूसरा इसका आंसर क्या निकल गया कि कुछ बोल है वो स्ट्रोंग नहीं होती, इसका ऑटोमेटिक आंसर निकल रहा है और बात भी बिल्कुल सही बैठ रही है कि कुछ बोल स्ट्रोंग होती है कुछ बोल स्ट्रोंग नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों की दोनों एक साथ सही हो सकती है लेकिन दोनों की दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकती। यहाँ से आप इस बात को समझने की कोशिश करना, आपके ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों ये चार तरह की बातें होती हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस के बारे में, और अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये पता नहीं कब आया था, पेपर में देखना पड़ेगा। ये देखिए इसके अंदर क्या कहा है कि दो अभिकथनों के उद्देश्य और विधेय की शब्दावली यदि ऐसी है कि एक की शब्दावली दूसरे का निषेध करती है, यानी कि वो क्या करती है, विरोध करती है, एक दूसरे का विरोध करती है, तो उन उन दोनों के बीच का संबंध क्या कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, इफ़ टू प्रपोजिशन हैविंग द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म आर सच दैट वन इज डिनेल ऑफ द अदर, यानी कि एक जो डेफिनेशन है दूसरे का विरोधाभास कर रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था दोस्तों वहाँ पे क्या होगा, कंट्राडिक्टरीज होगा। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ, ये देखिए ये हमने कंट्राडिक्टरीज का किया था, सबसे पहला किया था कि ए अगर सही है तो जो ओ होगा वो गलत होगा, यानी कि ये एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। और आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि आगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, इसके अंदर क्या है, यदि दो प्रतिविधियाँ में से दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकती परंतु दोनों एक साथ सही हो सकती है, तो उन दोनों के बीच का संबंध क्या है। दोस्तों अभी हमने किया था जस्ट थोड़ी देर पहले, आई और ओ के बीच में संबंध, ये क्या कह रहा है कि दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकती, ये देखिए कि दो डेफिनेशन है वो एक साथ गलत नहीं हो सकती लेकिन सही हो सकती है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये हमने किया था आई और ओ का जो रिलेशन किया था, यानी कि सम बोल आर स्ट्रोंग हो सकती है और सम बोल आर नॉट स्ट्रोंग हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा सब कंट्रेरी, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या है, आगे किस तरह का क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस कथन के विपरीत है, कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसने कहा है कि कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते, तो हम सबसे पहले हमें थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि ये ए है, ई है, आई है या फिर ओ है। तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या है, ये देखिए यह है कि कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते, कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते तो किसे हम क्या कहते हैं, हम ओ होता है वो, सम बोल्स आर नॉट स्ट्रोंग, पर्टिकुलरली नेगेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव होता है, तो पर्टिकुलर नेगेटिव का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है दोस्तों, ऑल बोल आर स्ट्रोंग। तो इसका यहाँ पे क्या निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर हम आंसर देखें तो सभी व्यक्ति ईमानदार होते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते तो ये क्या हो गया हमारा, ओ हो गया, पर्टिकुलर नेगेटिव हो गया, और पर्टिकुलर नेगेटिव का अपोजिट क्या होता है कि सभी व्यक्ति ईमानदार होते हैं, यानी कि यूनिवर्सल पॉजिटिव होता है यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। और आगे हम देखते हैं आगे किस तरह का क्वेश्चन है, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के विरोधी है, सही कूट चयन कीजिए और जो सही उत्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ये देखिए दोस्तों ये भी वही है, कंट्राडिक्टरीज के अंदर से क्वेश्चन है कि जो एक दूसरे का विरोध करते हैं, सबसे पहले हमें देखना है कि एक दूसरे का विरोध कौन कौन से करते हैं। हमने अभी पढ़ा था ए और ओ विरोध करते हैं, और ई और
आई विरोध करते हैं एक दूसरे का, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते, देख भी सकते हैं, ये हमने ग्राफ बनाया हुआ है एक दूसरे का जो विरोध करते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं कि ए और ओ कौन से हैं और ई और आई कौन से हैं। अब देखते हैं इसके अंदर, जैसे इसने आंसर दिया ए और सी, ए और सी देखते कि सभी व्यक्ति, सभी कवि दार्शनिक होते, ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा ए हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं सी, कुछ कवि दार्शनिक नहीं होते, कुछ कवि दार्शनिक नहीं होते, ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा ओ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ग्राफ के अंदर क्या होता है, जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं ए और जो ओ है वो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों वो आ जाएगा ए और सी का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आ जाएगा। और दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप ले सकते हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दोस्तों अगर आपने हमारी ऐप इंस्टॉल कर रखी है तो ऐप से भी ये ले सकते हैं, पेपर फर्स्ट स्टडी मटेरियल है, उसमें जाइएगा और लॉजिकल रीजनिंग का जो टॉपिक है उस पर क्लिक कीजिएगा और वहाँ पर रिफ्रेश ज़रूर कर लेना दोस्तों, नीचे जैसे उंगली से ऊपर से खींच के नीचे खींच लेना, रिफ्रेश ज़रूर कर लेना, क्योंकि रिफ्रेश करोगे तभी ये पीडीएफ उसमें अपडेट होगी, तो रिफ्रेश करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।